आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ कि फाइब्रॉइड्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ चुके हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स पूछ चुके हैं कि फाइब्रॉइड का क्या बेस्ट तरीका है उसका इलाज करने का। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा एंड डायरेक्टर द गायनी क्लिनिक सेक्टर 29 नोएडा। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ कि फाइब्रॉइड्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ चुके हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स पूछ चुके हैं कि फाइब्रॉइड का क्या बेस्ट तरीका है उसका इलाज करने का। तो जनरली ये इस पे डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड कितने हैं, किस साइज का है फाइब्रॉइड, एक है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, उसकी लोकेशन क्या है, वो यूट्रस की कैविटी के अंदर की तरफ है, उसके मसल्स में ही है या फिर बाहर की तरफ जा रहा है, जैसे कि सबम्यूकस, इंट्राम्यूरल या सबसीरियस फाइब्रॉइड, क्या लोकेशन है उसकी, एंड नंबर, साइज एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स, इन सारी चीजों को मिला के क्या सिम्टम हो रहा है पेशेंट को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि पेशेंट को क्या सिम्टम हो रहा है, क्या एज है पेशेंट की, क्या वो बहुत यंग गर्ल है, अभी शादी भी नहीं हुई है या शादी हो गई है अभी लेकिन फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, बच्चों की और कितनी डिजायर है, या फिर मेनोपॉज होने वाला है, पीरियड्स लगभग बंद ही होने वाले हैं, और तो इन सारी चीजों को कंसिडर करके फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किसी एक लेडी के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है उसके फाइब्रॉइड्स के लिए। जनरली स्पीकिंग, जब फाइब्रॉइड सिम्टम क्रिएट करता है, यानी कि हैवी ब्लीडिंग कर रहा है या फिर बहुत लंबे दिन तक ब्लीडिंग चल रही है, बीच बीच में अचानक से हैवी ब्लीडिंग हो जा रही है, खून की कमी हो जा रही है फाइब्रॉइड में जो हैवी ब्लीडिंग है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, या फिर बहुत पीरियड शुरू होने से पहले ही कंजेशन और दर्द पेल्विस के एरिया में नीचे की तरफ लोअर एब्डोमेन में हो रहा है, इन सारे चीजों के साथ अगर पेशेंट सफर कर रहा है, या फिर ऐसा है कि कंसीव नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड कोई लेडी, इन केस एक फाइब्रॉइड की वजह से प्रेशर हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा सा एक मास पेट में बन गया है, ये फाइब्रॉइड एक गांठ की तरह से एब्डोमेन में बड़ा होता जा रहा है और जल्दी जल्दी पेशाब लग रहा है, ऐसे केसेस में हम जनरली वी नीड टू ट्रीट द फाइब्रॉइड। एंड ज्यादातर केसेस में जब एक लिमिट के बियॉन्ड ये प्रॉब्लम चली जाती है, तब सिर्फ दवाइयां या अनिमिया करेक्ट करने के लिए जो आयरन की टैबलेट्स हैं उनसे इलाज नहीं संभव होता, तब हमें कोई ना कोई प्रोसीजर करना पड़ता। तो जनरली स्पीकिंग छोटे फाइब्रॉइड्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड करा के, कि उनके साइज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कितनी देर में बढ़ रहे हैं। अगर पीरियड की इनिशियली ही ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, 3-4 साइकिल्स ही हुए हैं और आप 40 के करीब की एज के हैं, तब कभी कभी डॉक्टर आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी या हिस्ट्रोस्कोपी एंड डीएनसी एडवाइस करता है, जस्ट चेक करने के लिए कि कोई और कारण तो नहीं है। फाइब्रॉइड जो कैविटी के अंदर है, छोटा है साइज में लेकिन हैवी ब्लीडिंग कर रहा है, तब ज्यादातर हम लोग एक हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन से उस फाइब्रॉइड को निकालने का प्रोसीजर हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी सजेस्ट करते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत बड़ा है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है और काफी सिम्टम क्रिएट कर रहा है, तो एंड आप अपने बच्चेदानी को, यूट्रस को नहीं निकालना चाहते, या फिर अभी आपके बच्चे हुए ही नहीं हैं, या आप अभी कुछ दिनों में एक बच्चा हो चुका है, दूसरे बच्चे को अभी प्लान करने में थोड़ा समय है, तब मायोमेक्टमी यानी कि सिर्फ फाइब्रॉइड को रिमूव करने की सर्जरी की जाती है, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपिकली, लैप्रोस्कोपिकली या फिर ओपन लेप्रोटमी में एक चीरा देके सर्जरी की कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फाइब्रॉइड एक या एक से ज्यादा जितने भी फाइब्रॉइड्स हैं उनको हम रिमूव करके बच्चेदानी के स्ट्रक्चर को वापस मेंटेन कर लेते हैं। इनसे पीरियड की जो से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल हो जाती हैं, एंड कुछ टाइम बाद हम अक्सर लोगों, जो भी कंसर्न कपल होता है, उसको कहते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लीजिए। एक प्रॉब्लम हो सकती है कभी कि बहुत यंग पेशेंट है और बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स हैं, तो फाइब्रॉइड हम काफी सारे निकाल भी थे तब भी
कोई बहुत ही छोटे फाइब्रॉइड्स हैं जो विजिबल नहीं है या दिख नहीं रहे या पैल्पेट नहीं हो रहे, वो आगे चल के फिर बड़े हो सकते हैं. तो रेकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड कैन बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन वी आर ओनली डूइंग मायमेक्स. इसीलिए जब फैमिली कंप्लीट है, बच्चे आपको जितने करने आप कर चुके हैं या फिर और आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है और हमें लगे कि अभी मेनोपॉज या महावारी बंद होने में तो बहुत समय है, अभी आप जस्ट अर्ली 40s में है, तब ऐसे केसेस में काफी बार पेशेंट को यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी हिस्टेरेक्टमी भी एडवाइस की जाती है, जिसको हम लैप्रोस्कोपिकली, वजाइनली या फिर एब्डोमिनली भी कर सकते हैं, चीरा देके भी कर सकते हैं. अगेन डिपेंडिंग ऑन दी नंबर, द लोकेशन एंड द साइज ऑफ फाइब्रॉइड, द प्रोसीजर जो भी है वो डिसाइड किया जा सकता है. इन सर्जरीज के सिवा कुछ ऐसे भी तरीके हैं जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें नसों में कुछ छर्रे डाल के जो ब्लड वेसल्स यूट्रस में फीड कर रही हैं उस फाइब्रॉइड या रसौली को, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है. इनसे भी फाइब्रॉइड सिकुड़ सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स हाउ वन कैन ट्रीट फाइब्रॉइड्स. बट इन प्रोसीजर्स या अल्ट्रासोनिक हाई फ्रिक्वेंसी जो तरीके हैं, उन हाइफू जिसको कहा जाता है, उससे भी फाइब्रॉइड्स को मतलब इसका ट्रीटमेंट एक ऑप्शन माना जाता है. बट ऑल प्रोसीजर्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस. हर प्रोसीजर के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने कुछ लिमिटेशंस हैं. तो अपने डॉक्टर से मिलके आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आपके लिए, आपके केस में या आपके परिवार में अगर किसी को फाइब्रॉइड है तो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है फाइब्रॉइड का. अगर कोई भी आपको फाइब्रॉइड से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you.